इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस इम्तिहान में 100.1% जो है पास कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छुरी को हुक्म दिया कि छुरी चलना मत इस्माइल के गले पर, मैं और फिर दुम्बा जो है जन्नत से आया और दुम्बे को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह किया। वहीं से ये रिवायत जो है कुर्बानी की चली आ रही है। कम से कम 150 बकरा का बुकिंग हो गया, जो ज़िबा होगा आज, कम से कम 15 कसाई है। ऐसे इंतज़ाम में नवी मुंबई में कम से कम 15 साल से रह रहा हूँ, लेकिन पहले ये एक जगह है तलोजा फैज़ोन में जो ऐसा धमाका हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हर बिरादरी के हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। कोई भी त्यौहार हुआ, ईद हुआ, बकरीद हुआ, दिवाली, दशहरा, कुछ भी हो, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। सबसे पहले मस्जिद आयशा और मदरसा आयशा की जानिब से हम पूरे तलोजा वासियों को और बिलखसूस जो फेस वन में, फेस टू में, गोटगांव में लोग रहते हैं, जो कनेक्टेड हैं यहाँ से, उनको और उसके अलावा तमाम हजरात को मस्जिद की जानिब से, मदरसा आयशा की जानिब से और अपने सदर अफरोज़ भाई की जानिब से ईद कुर्बान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का जो माहौल है वो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित इसलिए हम लोग हैं कि माशाल्लाह क्राउड भी बहुत ज़्यादा है और एक ऐसी सुन्नत पर अमल करने के लिए एक ऐसा बेहतरीन मैनेजमेंट मिला है, सुन्नत इब्राहिमी पर जो कुर्बानी की सुन्नत है उस पर अमल करने के लिए एक इतना बेहतरीन मैनेजमेंट मिला है हम लोगों को, जिससे पूरे तलोजा वासी खुश हैं। वजह यह है कि आम तौर पर जो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, वहाँ पर कुर्बानी के जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जाने नहीं देते हैं और कुर्बानी के जानवर रखने के दिक्कतें आ रही हैं। सोसाइटीज़ में बहुत से मुस्लिम लोग जो अपनी कुर्बानी करना चाहते हैं वहाँ पर भी कुर्बानी के जानवर नहीं ले जाने दिया जा रहा है। बहुत सी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिससे एक आम मुस्लिम बेसिक चीज़ें करना चाहे, मसलन कुर्बानी है, बकरे की कुर्बानी है या आम चीज़ है, वो भी सोसाइटी में नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा की जानिब से ये इंतज़ाम किया गया है और ये तलोजा वासियों के लिए बिलखसूस फेज़ वन फेज़ टू में जो लोग रह रहे हैं, गोटगांव में रह रहे हैं, उनके लिए एक राहत भरा सामान है। अभी कल ही एक साहब का फ़ोन आया था कि मौलाना मैं बकरा तो लेकर आया हूँ लेकिन सोसाइटी में इन नहीं करने दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा आप बिला तकल्लुफ़ यहाँ ला कर रख लें। तो ये एक इतनी शानदार सुविधा मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा की जानिब से हुई है जो तलोजा वासी खुद महसूस करते हैं और ये एहसास उनका जो है हम लोगों को मज़ीद एनर्जी देता है काम करने के लिए। इंशाल्लाह आगे बढ़कर मज़ीद इस क्षेत्र में जो भी काम होगा अफरोज़ भाई के नेतृत्व में हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हज़रत कितने कितने जो है बकरे की बुकिंग हुई है यहाँ पे इस बार जो है कुर्बानी के लिए? कुर्बानी के लिए इस बार मैं एक बड़े आदमी से मिला था तो बता रहे थे फेज़ वन फेज़ टू में बहुत से बकरे आए हैं, जो हम लोगों के यहाँ अब तक तकरीबन 150 बकरे हमारे यहाँ आज कुर्बानी होंगे, तकरीबन 150 प्लस ही होंगे, माइनस नहीं होंगे। अच्छा, किस तरीके की साफ़ सफाई का इंतज़ाम यहाँ पर रखा गया है? सफाई का इंतज़ाम एक तो नगर पालिका ने भी पूरा जो है सहयोग और समर्थन किया हमारे साथ, उन्होंने भी अपना अलग से गड्ढा खना है। किसी भी तरह से सोसाइटी में कोई भी अगर मलबा है उसका कुर्बानी का तो ला कर वहाँ डंप कर सकता है और हम लोगों ने भी पूरा मस्जिद आयशा की जानिब से आप अभी अंदर जाकर देखेंगे इतना शानदार सिस्टम बनाया गया है कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और बहुत सफाई और सुथराई के साथ इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बेहतरीन सक्सेस होगा इंशाल्लाह। मौलाना कुर्बानी का जो दिन है आज जो है कुर्बानी की जाती है, मतलब उसका एक डेफिनेशन बताएंगे किस तरीके से जो है कुर्बानी को जो है असल कुर्बानी का जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अपने आप को कुर्बान कर देना, ये मकसद है। और ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक औलाद दी थी बहुत ही मन्नत के बाद, बहुत ही इल्तिजा के बाद, दुआओं के बाद, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। और फिर ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाया, 3 दिन तक लगातार उन्होंने देखा कि मैं अपने लख्ते जिगर को ज़बह कर रहा हूँ। अम्बिया का ख्वाब जो होता है वो सच्चा होता है, यानी उन्हें करना ही होता है। उन्होंने मशवरा लिया अपने अहलिया से और फिर उसके बाद अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए गए। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा वाकया है कि उस वक्त दुनिया थम गई थी रुकने के लिए कि बाप अपने बेटे के ऊपर छुरी चला रहा है, वो भी ऐसे बेटे के ऊपर जो बाप के एजेड हो गए थे, उसके बाद बेटा पैदा हुआ है और इतनी ज़्यादा जो है उससे मोहब्बत है, उसके बाद भी उसको ज़बह करने का हुक्म दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक इम्तिहान था। इब्राहिम अला नबी गिना अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया और ख़ुद भी पट्टियाँ बांधी,
बेटे के भी आंखों पे पट्टियां बांधने की मोहब्बत ना आ जाए, अल्लाह का हुक्म है पूरा करना है, बस एक चीज थी उनके जहन में और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बेटे के ऊपर छुरियां चलाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ और सिर्फ अपने बंदे का इम्तिहान लेते थे, ले रहे थे कि वो कितना हमारे कहे पर खरा उतरता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस इम्तिहान में 100.1% जो है पास कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छुरी को हुक्म दिया कि छुरी चलना मत इस्माइल के गले पर, मैं और फिर दुम्बा जो है जन्नत से आया और दुम्बे को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह किया। वहीं से ये रिवायत जो है कुर्बानी की चली आ रही है। असल कुर्बानी तो हम देते हैं एक तरह से अपने आप की, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फ़ज़ल है कि उन्होंने जानवर की कुर्बानी लेकर हमारी कुर्बानी का सवाब दिया है। ये एक टेक्निकल चीज़ है और मंकूल चीज़ है। हज़रत मदरसे आयशा और मस्जिद आयशा की जानिब से जो है किस तरीके की शुभकामनाएँ मुबारकबाद देंगे इस ईद को लेकर? ईद कुर्बान को लेकर इस बार जो माहौल बना है पूरे हिंदुस्तान में, माशाल्लाह अभी तक हर जगह से सुकून का और शांति की ही न्यूज़ आ रही है, कहीं भी कोई इस तरह का वायलेंस नहीं हुआ है। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो पीसफुली रहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ तलोजे में और यहाँ जो हम लोग ये कर रहे हैं ये इसमें भी पूरा सपोर्ट उनका है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं वो हमारे साथ ईद कुर्बा भी मिलकर मनाते हैं, और इसलिए मैं जितने मुस्लिम भाई हैं उनको और बेखसूस तलोजा वासी जो हमसे कनेक्ट हैं मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा से, उनको हम ईद कुर्बा की मुबारकबाद पेश करते हैं और फिर तमाम उम्मत मुस्लिमों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह। अपना अफरोज शेख है 2019 से इतना काम कर रहे आवाम के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लॉकडाउन में मस्जिद चालू थी, इज्तमाई कुर्बानी चालू थी और काफ़ी बड़े बड़े ऑफिस आए हमारे इंतज़ाम देखने के लिए, बहुत खुश हो गए माशाल्लाह। आज कम से कम पहली जमात में 2000 लोग थे ईद की नमाज के लिए, मैं उसमें था। अभी दूसरी जमात है, कम से कम 150 बकरा का बुकिंग हो गया जो ज़िबा होगा आज, कम से कम 15 कसाई है। ऐसे इंतज़ाम में नवी मुंबई में कम से कम 15 साल से रह रहा हूँ, लेकिन पहले ये एक जगह है तलोजा फैजों में जो ऐसा धमाका हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को सहूलत मिलती है और रास्ता मिल रहा है वो काम करने के लिए। जज़ाकल्लाह, सबको ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आलम इस्लाम को ईदुल अज़हा का मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हमारे तलोजा फैसवन में अल्हम्दुलिल्लाह दो जमात हो रही है, कम से कम 8000 आदमी हैं और बहुत ही सुकून के साथ यहाँ पे शासन प्रशासन दोनों मिल के साथ दिए हैं। बीएमसी वाले अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का साधन बहुत अच्छा है और बहुत ही सुकून के साथ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं, किसी चीज़ की कोई भी तकलीफ़ नहीं है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि यहाँ पे हर बिरादरी के हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। कोई भी त्यौहार हुआ, ईद हुआ, बकरीद हुआ, दिवाली, दशहरा, कुछ भी हो, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा मजमा, कोई भी शोरगुल नहीं, सब शांति सुकून के साथ में यहाँ पे लोग त्यौहार मनाए हैं और लोगों को मुबारकबादी भी दे रहे हैं। यहाँ की पुलिस जो है हमारा बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दे रही है सुकून के साथ, ना ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे आलम इस्लाम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मदरसा आयशा मस्जिद आयशा की तरफ से सबका मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये मेरा मैसेज जो अमन और शांति का मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर शेख यहाँ फेसवन में रहने वाला यहाँ का निवासी। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग लास्ट 6 साल से रह रहे हैं, बॉम्बे से माइग्रेट करके हम लोग इधर न्यू बॉम्बे में आए हैं एक अच्छी फैसिलिटी और अच्छी लाइफ के लिए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटीज़ भी अभी डेवलप हो रही है, ये एक्चुअल में डेवलपिंग है। इसमें काफ़ी अच्छा योगदान है आयशा मस्जिद का, जिन लोगों ने ईदगाह का पिछले इस साल से स्टार्ट किया है। इस साल में मतलब समझे रमज़ान ईद के अंदर भी हमें ईदगाह मिली थी, और उसके बाद में आज ईद उल फित्र के अंदर भी हमें ईदगाह का मौका मिला है। तो माशाल्लाह से हमारे तलोजा के अंदर भी इस्तेमाईयत से नमाज वगैरह हो रही है, और इसका क्रेडिट जाता है यहाँ की अवाम को, यहाँ के मुस्लिम्स को और आयशा मस्जिद को और यहाँ के ट्रस्टीज़ को और ट्रस्ट को, और काफ़ी लोगों ने मतलब इनको योगदान भी किया है, और काफ़ी लोगों ने, और बाकी मैं ये कहता हूँ कि बाकी हिंदू
जो हमारे भाई है उनका भी कॉपरेशन है कि उन लोगों ने हमें NOC वगैरह दी है और हम इस तरीके से इतना बड़ा इवेंट हम लोग कंडक्ट कर पाए हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4,000 से 5,000 लोग मतलब दोनों जमात के अंदर नमाज पढ़ेंगे और अपनी जो फराइज़ है उसे अदा करेंगे, और इसके अलावा अपने जो जानवर वगैरह लोगों ने लाए हैं उनका ज़बह करने का जो इस्तेमाईयत के अंदर जो रखा हुआ है ज़बह करने के लिए कत्ल खाना वगैरह, तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब क्या बोलते हैं पूरा हिडन जगह पे किया गया है। इस तरीके से नहीं कि ओपन है, किसी की मज़हब को मतलब हार्म पहुँचे या किसी को डर लगे, इससे इसके लिए बहुत अच्छा मतलब हिडन जो जगह पे जो बनाया गया है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने मतलब फ़राइज़ किए हैं, अपने जानवरों को ज़बह किया है और अपनी ईद को मनाया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को भी मैं मुबारकबाद दूँ ईद की और मैं अपनी बात को फिनिश करूँ, और ईद मुबारक। ईद माशाल्लाह जो है बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, कुर्बानी को लेके, साफ़ सफाई को लेके, बाकी नमाज के इंतज़ाम को लेके जो इंतज़ाम किए है माशाल्लाह, मस्जिद आयशा और मदरसा आयशा के सदर जनाब अफरोज अब्दुल बशीर शेख साहब ने बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बात यही नहीं है, उन्होंने रमज़ान के टाइम पे भी माशाल्लाह 30 दिन जो है वो इफ्तारी और तरावी का भी इंतज़ाम किया था, और ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार में आते हैं, बाकी लोगों के भी जो होते हैं त्यौहार उसके अंदर भी जो है उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जिसके लिए काबिले तारीफ है, रियली हैट्स ऑफ टू दिस गाय। किस तरीके की शुभकामना रहेंगे बकरी ईद की पूरी सारी जनता को? जी मेरा यही कहना है कि सब लोग अमन और शांति के साथ इस त्यौहार को मनाएं और जितना हो सके दूसरों को तकलीफ ना दे, जो भी चीज़ है आराम से करके इसको अच्छी तरीके से ईद का नाम दे। अस्सलाम वालेकुम, आज ईद उल अज़हा बकरी ईद, और मेरे तमाम हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को और सभीों को आज ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज मदरसा आयशा मस्जिद के सदर अफरोज भाई इन्होंने दोनों जगह मतलब नमाज का भी इंतज़ाम और कुर्बानी का इंतज़ाम किया है, तो इसीलिए सारी लोगों के मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के लोगों को उन्होंने इंतज़ाम करने की वजह से पूरी आसानी हो गई है।